पंजाब के 20,000 स्कूलों में आज मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो आनंदपुर साहिब पहुंचे और वहां के नंगल गर्ल्स स्कूल में उन्होंने पीटीएम में हिस्सा लिया और बच्चों से बातचीत की, उनके पेरेंट्स से बातचीत की और उनके आने वाले भविष्य और आइडियाज़ को जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शेयर किया। इस वक्त हम उसी स्कूल में हैं और यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनका एक्सपीरियंस जो है वो रहा है और मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस स्कूल में आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? चंदन शर्मा। सर मुख्यमंत्री खुद आए, आप लोगों से बातचीत की और इस तरह का माहौल इससे पहले कभी पीटीएम जो है वो बुलाया जाता था इस तरह से सरकारी स्कूलों में? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एज अ बींग हम जो पेरेंट्स हैं बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। सर ये अपना बहुत अच्छा उपराला किया है पंजाब सरकार ने और ख़ासकर एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस जी का हम थैंक्स करना चाहेंगे और सर बच्चे भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जी। अगर एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई के स्कूल में बात करें तो उसका स्टैंडर्ड कितना सुधरा है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद इस स्कूल में पढ़ कर के गया हूँ और 24 साल बाद मैं खुद स्कूल ड्रेस में आज अपना यहाँ बैठने का मौका मिला है और बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। और मैंने देखा कि जो पुराने जो स्कूल के रूम थे बिल्कुल रेनोवेट किए गए हैं और बड़ा अच्छा सर खुशी महसूस हो रही है हमें। मैम आप भी अपने बच्चे के साथ आए हैं, किस तरह से बातचीत हुई? अच्छा क्या किस तरह से पीटीएम में बातचीत की, टीचर्स ने क्या क्या चीज़ें बताई आप? हाँ जी, टीचर्स ने मतलब यही चीज़ें बताई हैं कि बच्चे मतलब अच्छे और आगे हो जाए मतलब पढ़ने में मतलब, और इनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं उन्होंने, मतलब डिसिप्लिन सिखाया कैसे बैठते हैं कैसे उठते हैं मतलब यही चीज़ें बताई हैं उन्होंने। मुख्यमंत्री भी आए थे, बातचीत की, क्या क्या सारी बातचीत हुई आप लोगों की? मुख्यमंत्री जी से वैसे मैं तो मिली नहीं उनसे, इसके पापा ही मिल के गए बेटी के, तो जो मीटिंग की इन्होंने ही की उसके उनके साथ ना। हाँ जी, क्या बातचीत क्या हुई मतलब के क्या बता रहे थे या क्या चीज़ें हुई हैं? सर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो होता क्या है कि धरातल पे भी देखना होता है और खुद सीएम साहब ने आकर के बच्चों से पेरेंट्स से बातचीत की और यही उन्होंने पूछा है कि क्या वो सही मायने में वो जो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बातचीत हुई है कि क्या वो वैसी हवा में बातचीत तो नहीं हो रही है। पर सर ये खुशी है हमें, हम खुद पेरेंट्स हैं और हमें बताने में बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि ये जो उपराला किया जाए बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स भी हैं, क्या नाम है आपका? सर गरिमा शर्मा। अच्छा ये बताइए कि टीचर्स आज इतना बड़ा पीटीएम का जो है वो आयोजन किया गया, किस तरह से इंट्रैक्शन है आप लोगों का टीचर्स से और उसके बाद आपने देखा सीएम भी पहुंचे थे? सर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब कि ये थर्ड पीटीएम थी हमारी स्कूल में, इसमें हमें बताया जाता है कि कैसे टीचर्स पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पेरेंट्स को नहीं पता वो बताते हैं। अगर एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई की बात करें तो पहले पहले में और अब में कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? सर अब मैं मतलब कि डीएवी स्कूल से आई हूँ, प्राइवेट स्कूल से, मुझे भी लगता है कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता पर बहुत कुछ है यहाँ पे, सभी फैसिलिटीज़ वगैरह, कोचिंग वगैरह जो भी मिलती है वो देते हैं, जेई नीट की कोचिंग। तो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है सरकारी स्कूल अब? सर नहीं अब, अच्छा अच्छा। और भी बच्चे इनसे बातचीत करेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ही कामना सोहल है, मैं प्लस टू साइंस साइड से मैं पढ़ती हूं। साइंस साइड से है, तो किस तरह से पीटीएम जो है वो? तो बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलके और ये हमारे एक ड्रीम कमिंग टू था, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इस एज में हम स्पेशली सीएम और ईएम से मिलेंगे फेस टू फेस। बातचीत क्या हुई आपका मुख्यमंत्री से? तो सबसे पहले तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमें फैसिलिटीज कैसे लगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा प्राइवेट स्कूल से। सर मैं माउंट कार्मल स्कूल से 10th क्लियर की है और गवर्नमेंट स्कूल में आके हमें क्या डिफरेंस लगा, तो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा एडवांस लेवल हमें यहाँ पढ़ाया गया, इंटरेक्टिव पैनल्स लगे हैं हमारे यहाँ पे और फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा और उन्होंने सजेशंस पूछी कि आप और क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, जो कि एक अच्छे मिनिस्टर की पहचान होती है कि सजेशंस बच्चों से लेना, क्योंकि हमने एट द एंड ऑफ द डे हमने ही स्कूल में पढ़ना है तो हम ही सजेशंस दे सकते हैं। सजेशंस क्या दिया? सर सबसे पहले तो हमने बोला कि टीचर्स और ज़्यादा, अगर टीचर्स होंगी बच्चे और ज़्यादा पढ़ सकेंगे, हर सब्जेक्ट की टीचर्स हैं यहाँ पे, लेकिन जितनी ज़्यादा स्टाफ होगा उतना टीचर्स को भी रिलैक्सेशन मिलेगी और बच्चों को भी पढ़ाई में और मन लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने ज़्यादा से ज़्यादा सर ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो वो और भी अच्छा करेंगे। और हमने लाइब्रेरी बुक्स की भी डिमांड की कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स चाहिए यहाँ पे। हमारे साथ शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या किस तरह रहा।
बहन साहब, कई सारे बच्चों से बातचीत हुई और इसमें कई सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में आए, तो इतना बड़ा चेंज लाने में क्या क्या चीज़ें रहीं आप लोगों के सामने, क्योंकि चैलेंज बहुत है सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप शिक्षा जैसे अहम मुद्दे के ऊपर आप कवर कर रहे हैं। ये भी आपके लिए भी पहली बार ये होगा कि सरकारी स्कूलों में इस तरीके का एक्सपीरियंस, और ये वो स्कूल था नंगल, बिल्कुल एक बॉर्डर पर पड़ता है हिमाचल के साथ, और इस स्कूल की मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। जब मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, तो ये स्कूल के हालात हैं। जिस क्लासरूम में आज आप बैठे हैं आपका कैमरा, ये इसी स्कूल की तस्वीर है, यही स्कूल के प्रिंसिपल हैं। 29 सितंबर 2022, इसके अलावा इस स्कूल के ये हालात थे कि बच्चे जो हैं ज़मीन पर बैठे हुए थे उनके, ये आप देख सकते हैं, ये हालात थे स्कूल के, आप उसी स्कूल के हालात देख सकते हैं, और बच्चों में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। और आज इसी स्कूल के लिए, क्योंकि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, तो बच्चों की जो है एडमिशन के लिए आपको सिफारिशें आती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर स्कूल की है, बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ये आप 29 सितंबर 2022, बहुत सारे लोकल मीडिया के साथी भी उस दिन मेरे साथ ये स्कूल विजिट पर आए थे, ये हालात थे। और आज आप देख सकते हैं ये शानदार 1.25 करोड़ रुपए का काम स्कूल में हो चुका है, 3.5 करोड़ का काम, एक बिल्कुल नया ब्लॉक सामने बनना है और बाकी सारा स्कूल रेनोवेट होना है, और 4 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल भी प्रपोज्ड है। उसके अलावा इन बच्चों, ये स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चे हैं, अलग अलग गाँव से बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी आए हैं। इनकी जो यूनिफॉर्म है ये बैंगलोर से डिज़ाइन है, ये टोटली यूनिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से फंडेड है। बाहर बस सर्विस खड़ी है, बस से आ सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैंपस मैनेजर हैं, आपके LED स्क्रीन्स हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स हैं, जो जो हम बेस्ट मुहैया करवा सकते हैं बच्चों के, जैसे बच्चों के समर कैंप्स लगते हैं, विंटर कैंप्स लगते हैं, एक्सपोजर विजिट्स हैं, और मुझे आप उसका नतीजा देखिए कि आप किसी भी बच्चे से बात कर लीजिए, आप उन बच्चों से कॉन्फिडेंस, और आपको किसी भी लेवल पर ऐसा नहीं लगेगा, कोई भी बच्चा आपको ये ना लगे कि दो बच्चों को सिखा दिया, तो एनी यू कैन चूज एनी चाइल्ड, आप उस बच्चे में कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या जो बार बार कहा जाता है प्राइवेट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, अब वो दूरी जो है वो कम हो गई है सरकारी स्कूलों में, खासकर पंजाब की अगर बात करें तो? आज भी बहुत से इमोशनल पल थे जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बच्चों और बच्चों के माता पिताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, तो बहुत से बच्चे बहुत इमोशनल भी हो गए, मैं भी इमोशनल हो गया, क्योंकि वो बता रहे थे एक पिता बोल ही नहीं पाए, वो कहते मैंने तो ये सपना छोड़ दिया था कि मेरा बच्चा को अच्छी विद्या मिल सकती है, पर आपने वो, बिकॉज अब उनके मन में यही नहीं रहेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति के कारण हमारा बच्चे को हम पढ़ा नहीं पाए। तो ये है, इस स्कूल में जब मैं 2022 में आया था तब IELTS की बातें होती थी, और आज जब आया तब नीट की बातें होती हैं, तो ये आप ये देखिए कि IELTS से हम नीट क्लैट JEE की तरफ चल पड़े, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। धन्यवाद। तो ये हरजोत बैंस हैं जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरह से पहले जब 2022 में ये लोग यहाँ पर जब आए थे इस स्कूल में, तब उस समय यहाँ पर क्या हालात थे, यहाँ पर बेंचेस नहीं थे, लोग जो हैं वो नीचे बैठे हुए, बच्चे जो हैं नीचे बैठे हुए थे, और यहाँ जो पेरेंट्स थे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब हालात बदले हैं पंजाब के, और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पंजाब सरकार देख रही है कि इस तरह से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला गया, और अब इस तरह से मेगा PTM जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है, ताकि बच्चों और पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर बढ़ सके। नंगल से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।